नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 105वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, लिंग अनुपात के नए आंकड़े। प्रति हजार पुरुषों पर पैदा होने वाली 1084 महिलाओं के साथ अरुणाचल प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया, जिसके बाद नागालैंड 965 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों के साथ दूसरे स्थान पर और मिजोरम 964 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों के साथ तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर मणिपुर इस सूची में सबसे नीचे आता है। यह सूची नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित है। लिंग अनुपात एक जनसंख्या के लिए लिंग अंतर को मैप करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। नंबर दो, फीफा ने अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप रद्द कर दिया। 2022 में भारत करेगा इसकी मेजबानी। कोविड-19 महामारी के कारण अगले साल के लिए स्थगित अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने रद्द कर दिया है। इसका आयोजन भारत में होने वाला था, परंतु भारत को 2022 में इसकी मेजबानी सौंप दी गई है। फीफा ने भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका में होने वाले अंडर 20 विश्व कप रद्द कर दिए, लेकिन दोनों देशों को 2022 में इनकी मेजबानी के अधिकार दे दिए हैं। नंबर तीन, चीन पर अंकुश लगाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा समझौता। जापान के प्रधानमंत्री योशिदा सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीपीय देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल में हुए सम्मेलन के कुछ ही सप्ताह बाद यह पारस्परिक समझौता हुआ है। इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलिया सैनिकों को एक दूसरे के यहाँ जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संधि से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और सहयोग और मजबूत होंगे। नंबर चार, अलाहाबाद उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा पदत शक्ति के अभ्यास में भारत के राष्ट्रपति ने 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों को अलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। एक उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल एवं उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि पहला विदेशी संप्रभु धन कोष, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है यूएई, अमेरिका, जापान या संयुक्त अरब अमीरात। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि एशियान का हेडक्वार्टर्स किस देश में स्थित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। एशियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। दोस्तों, आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।